तो देख सकते हैं ये कम्प्लीटली स्टील की बोतल है, एंड आप देख सकते हैं कम्प्लीटली स्टील है ये, एंड ये आप देख सकते हैं नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल है, एंड ये हम लोगों ने घर पे बनाई है, जो कि नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल थी इसी टाइप की, उसके ऊपर हम लोगों ने थर्मोकॉल लगाया, थर्मोकॉल लगाने के बाद में हम लोगों ने इसके ऊपर सिल्वर पेपर को लपेट दिया। सिंपल है, बहुत ही आसान से इसे आप बना सकते हो अगर आप चाहे तो। वीडियो के रिजल्ट के बाद देखेंगे क्या ये इससे मतलब फर्क पड़ता है या फिर नहीं, अगर पड़ता है तो आप घर पे बना सकते हो। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं हमारे राजस्थान की स्पेशल ये वाली बोतल, आप हमारा एक मतलब देसी इन्वेंशन है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये पूरी सूतली होती है, उसको यहाँ पर गूंथ के ऐसा पूरा यहाँ पर बनाया गया, देख सकते हैं पूरा इसके ऊपर एकदम मस्त डिजाइन वगैरह भी दिया गया है, एंड ये उसके ऊपर पकड़ने का हैंडल है। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क डालता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी गेस कीजिए अभी जाके कि इनमें से कौन सा विनर रहने वाला है। मैं ठंडा पानी डालूंगा एंड तक 5 घंटे के बाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा पानी कौन सी बोतल में रहने वाला है, इसमें इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें। अभी ठंडा पानी हम ऐसे तो मतलब बता नहीं सकते ना, मैं ऐसे बताऊंगा आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा टेम्परेचर सेंसर आप देख सकते हैं ये मैं लेके आया हूँ, ये आपकी आंखों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रॉड है ये वाली, ये पानी में डालेंगे तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर वगैरह बताएगा, तो इसका हम यूज़ करेंगे एंड देखेंगे कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बचता है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करते हैं इन सभी को यहाँ पर फिलअप करते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक शॉकिंग रिजल्ट बताता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 12:14 हुए सुबह के, एंड मैं आप लोगों को टेम्परेचर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये आप, तो आप देख सकते हैं 46 डिग्री का 45 डिग्री हो गया अभी, तो यहाँ पर टेम्परेचर मतलब सिर्फ 12 बजे, तो सोचिए 3 बजे एंड 2 और 3 के बीच में क्या हाल होता होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड वीडियो बनाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर छोटा सा कैंपर लेके आया हूँ, आप आइए एक बार, तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर पानी ठंडा हो चुका होगा, हम लोगों ने 5-6 मिनट तक वेट किया है, मैं इसके अंदर फिलअप करता हूँ, फिर टेम्परेचर यहाँ पर चेक करते हैं, फिर सारी बोतलों को यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं ये सेंसर मैंने पानी के अंदर डुबो दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर लगातार घट रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर फाइनली यहाँ पर रुक चुका है, तो आप 14 डिग्री समझ सकते हो कि यहाँ पर इसका अंदर का टेम्परेचर है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बोतल का सिस्टम है कि इसको यहाँ पर चारों तरफ से भिगो के रखना पड़ता है, वैसे जनरली भी ऐसे नॉर्मल भी हम रखते हैं तो अभी भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी इसके साथ यहाँ पर जस्टिफाई होगा पूरा। तो ये फिलअप हो चुकी है, मैं थोड़ा पास में यहाँ पर पानी लगाता हूँ मैं, तो अभी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सारी बोतलों को फिलअप कर लिया, अभी मैं एक टाइमर लगाता हूँ, टाइमर लगाने के बाद दोस्तों हम हर घंटे यहाँ पर आएंगे, चेक करेंगे किसमें जहाँ पर ठंडा पानी है, अगर कोई शॉकिंग रिजल्ट मिलता है तो हम यहाँ पर इस कैमरे को चालू करके आप लोगों को बताएंगे, बट बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कैमरा हमारा बार बार यहाँ पर हाई टेम्परेचर शो कर रहा है, एंड अभी तो यहाँ पर बोटल्स काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, बहुत सारे लोग सब कोई करिए कौन सी बोतल ठंडी डाले भाई साहब, वो वाली थोड़ी बोला गिरी हमारे साथ अभी जो बोलता था, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग ने यही बोला है कि ये वाली बोतल ज़्यादा ठंडी रहेगी, कौन सी ये वाली, एक आदमी हमारा बोल रहा है कि ये वाली ठंडी रहेगी एंड कैमरामैन बोल रहा है कि ये वाली ठंडी रहेगी। तो आप लोगों के गैस मैं देखता हूँ कि कौन कौन से मतलब क्या क्या गैस है यहाँ पर आप लोग करते हो, लीजेंड्स इसको यहाँ पर गैस करने वाले हैं, आप देख सकते हैं 12:30, तो अभी मैं यहाँ पर टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ये स्टॉप वॉच एंड यहाँ पर आप देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया स्टॉप वॉच, आप देख सकते हैं, तो अभी मैं क्या फोन को नीचे रखूंगा यहाँ पर छांव है तो क्या है कि मतलब गर्मी नहीं लगेगी फोन, तो यहाँ पर फोन स्विच ऑफ वगैरह नहीं होगा, तो यहाँ पर टाइमर स्टार्ट है, अभी हम यहाँ पर घंटे बाद आएंगे एंड चेक करेंगे। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर 50 डिग्री तक पहुंच गया टेम्परेचर, तो मतलब हालत खराब हो रही है, हमारी भी हालत खराब हो रही है यहाँ पर वीडियो बनाते टाइम, बहुत मुश्किल है। ऑलराइट दोस्तों अभी आप देख सकते हैं
यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:06 के बाद हम यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं, मतलब अभी टाइम हो रहा है 1:37, 12:30 हम नीचे गए थे तो 1:37 तक हम वापस आ चुके हैं। बट हमने इसके अंदर यहाँ पर 14 डिग्री का जो पानी था वो डाला था, अभी देखते हैं। तो देख सकते हैं ये 40 डिग्री तक पहुँच गया है ये पानी 1 घंटे के अंदर, 1:10 आप समझ सकते हो। अब इसको चेक करते हैं, इसका पानी 35 डिग्री आप देख सकते हैं, 35.5 36 डिग्री का है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, इस बोतल को मैंने गैस किया था, देख सकते हैं 22 डिग्री का टेम्परेचर, 21 डिग्री लगातार ये कम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 18 डिग्री और भी, अगर थोड़ी टाइम रखेंगे तो और भी यहाँ पर ये टेम्परेचर कम होगा। तो अब इसको पानी को मैं पी के ट्राई करता हूँ ठंडा है कि नहीं। ये है दोस्तों वास्तव में देसी जुगाड़, काम कर रहा है बिल्कुल। 1 घंटे के बाद में भी अभी तक एकदम चिल्ड पानी है 18 डिग्री का, मतलब कितना आपने समझ सकते हो कितना यहाँ पर लॉस हुआ है यहाँ पर। अब इसको टेस्ट करते हैं जो कि हमारा एक देसी इन्वेंशन है। तो ये मेरे को लगता है 23-22 डिग्री के ऑलमोस्ट, यहाँ पर 22 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो अभी तक तो दोस्तों जो मैंने बताया है वो विनर रहा है, मतलब ये अभी तक नंबर 1 पर बना हुआ है। अभी मैं ऐसा करते हैं, अब हम आएंगे यहाँ पर 2 घंटे के बाद में, एंड 2 घंटे के बाद में यहाँ पर आके चेक करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा पानी यहाँ पर किस में रहता है। 3 hours later. तो दोस्तों अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:00, यहाँ पर 4:00 थोड़ा टाइम ऊपर ही हो रहा है, 4:07 हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि पानी ठंडा हुआ है या फिर नहीं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग हो रही है 3:36, मतलब 3:36 नहीं 3:36, ये टाइमर हम लोगों ने यहाँ पर लगा के यहाँ पर रख दिया था। तो अभी हम यहाँ पर 3 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं, देखते हैं। अभी ये वाला पानी तो गर्म था, अभी मैं इसका भी टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 45.6 यहाँ पर इसका टेम्परेचर यहाँ पर बता रहा है। तो अभी हम इसका चेक करते हैं, मुझे लग रहा है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया होगा क्योंकि मेटल सरफेस है, मेटल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। अभी हम छू रहे तो अभी गर्म हो रहा है। तो इसका टेम्परेचर 48.1 and 2 के बीच में, ऑलमोस्ट 50 डिग्री का टेम्परेचर इसने यहाँ पर गेन किया है टोटल 3.5 घंटे के अंदर। इसका चेक करते हैं जो मैंने यहाँ पर घर पर बनाई है। तभी आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 23 डिग्री के ऊपर आ चुका है, सिर्फ 0.1% कम यहाँ पर हो रहा है। तो ये अभी तक ये दोस्तों इसने मतलब काफ़ी अच्छे से अपने पानी को यहाँ पर पूरा यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। अभी इसके अंदर डालते हैं, तो इसका 28 यहाँ पर बता रहा है, 28 डिग्री, ना कम है ना ज़्यादा है, वो फिक्स एकदम 28 डिग्री है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मेरे हिसाब से इसको अभी यहाँ पर एंड करना चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा देर रखेंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मतलब अभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका टेम्परेचर घटने वाला है। स्टिल दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा पानी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी अभी तक। तो हमारे आज के वीडियो का विनर है ये वाली बोतल, आप देख सकते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, क्योंकि हमने घर पे बनाई है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इसको बनाने का तरीका। बट सबसे पहले ये वाली बोतल आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की स्पेशलिटी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ऐसी बहुत सारी बोटल्स वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाएंगे। 5 बोटल ले लेंगे, उनको आप लोगों को बना के दिखाएंगे। तो आप ये भी बना सकते हो, बट ये वाली बनानी है तो सिंपल एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए इसी प्रकार की, देन उसके ऊपर यहाँ पर थर्मोकोल चिपका लीजिए पूरा। चिपकाने के बाद में पूरे यहाँ पर चारों तरफ से कवर करना, नीचे से एंड यहाँ तक टॉप तक। फिर उसके ऊपर यहाँ पर सिल्वर पेपर लगा दीजिए, सिल्वर पेपर के ऊपर टैप वगैरह हो आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट वगैरह तो उसको लपेट लीजिए, क्या जिससे ये सिल्वर पेपर इजीली टूटेगा नहीं। अभी हमारे यहाँ पर देखिए टूट सकता है यहाँ पर, तो ये टूटेगा नहीं। फिर आप देख सकते हैं मैंने कैप के ऊपर भी एक छोटा सा थर्मोकोल का टुकड़ा लगाया था, जिसके कारण क्या ऊपर से इसको यहाँ पर हीट नहीं मिले। तो इस प्रकार से इसने मतलब काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। आई होप आपको भी ये वाला छोटा सा एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों आप में आप लोगों ने जो भी गेस किया वो मैं कमेंट सेक्शन में जाके ऑब्वियसली वीडियो को अपलोड करने का देखने वाला हूँ कि किन किन लोगों ने क्या क्या यहाँ पर गेस किया था। मुझे मेरे ऊपर बिलीव था कि मैंने जो बोतल यहाँ पर बनाई है वो नंबर वन पे आने वाली है, एंड यही नंबर वन पे आई। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी इसी प्रकार की इंटरेस्टेड सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।